आर्थिक तंगी के बीच कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का नया दांव खेला है। आर्थिक तंगी के असर से परेशान जन का सहारा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बनेगी। मोदी सरकार पहले ही आर्थिक संकट को लेकर विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी अब जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, ताकि कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल सके और जनता का थोड़ा समर्थन भी मिल सके। सोनिया गांधी अब जनता का भरपूर समर्थन पाना चाहती है, इसीलिए सोनिया गांधी ने घर घर जाकर सदस्यता अभियान चलाने की बात कही, जिसमें मुख्यमंत्रियों से लेकर बूथ कार्यकर्ताओं को शामिल करने की योजना है, ताकि कांग्रेस निचले स्तर तक संपर्क बना सके। बात अगर कांग्रेस के वर्तमान हालत की जाए तो कांग्रेस दिशाहीन दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी के गिरते ग्राफ को पटरी पर लाने की कोशिश में गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के गिरते ग्राफ पर गंभीरता से चिंतन किया, साथ ही पार्टी को मजबूत करने के तरीकों को ढूंढने की कोशिश की गई। बैठक में पार्टी के महासचिवों, प्रदेश अध्यक्षों, पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी देखी गई, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी का बैठक में ना होना थोड़ा खटकता है और इशारा करता है इस बात का कि सोनिया गांधी की विचारधारा कितनी अलग है। यही कारण है कि सोनिया गांधी मानती है कि सोशल मीडिया पर आक्रामक होना ही जरूरी नहीं, बल्कि जनता का साथ जरूरी है। सोनिया गांधी ये मान चुकी है कि अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमला बोलने मात्र से पार्टी की छवि नहीं सुधर सकती, इसलिए सोनिया गांधी ने सोच लिया है कि बीजेपी को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर घेरने से पार्टी की फजीयत जरूरी नहीं है, और अब पार्टी के नेताओं को इस मुद्दे को छोड़कर आम जनता के बीच जाने पर विचार करना होगा। स्पेशल डेस्क से विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट।